Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbishwali sadri waisali amri waluk dutam ilisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dosto, mera naam Ashish hai. Aur maine alhamdulillah 2 saal pehle Islam qubool kiya. Aur aaj ek musalman ki zindagi jee raha hoon. Aur deen pe chalne ki puri koshish kar raha hoon. Aur ye video jo maine aap बनाई है ये अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए बनाई है और मैं चाहता हूं कि इस पर गौर भी किया जाए कि जब मैं मुसलमान नहीं था तो मुझे किसी मुसलमान ने दीन की दावत नहीं दी। इस चीज का मुझे अफसोस आज तक है, क्योंकि मैं समझता हूं अगर ऐसा दीन जो अकल का इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी ना लगाता हूं, ऐसा दीन जो हर तरह से अपने आप को साबित कर रहा हो, ऐसा दीन जो ये बता रहा हो कि ये खुदा की तरफ से है, ऐसे दीन को आप दूसरों को ना बताएं तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और ऐसे ही दीन की जरूरत आज पूरी दुनिया को है, सब लोगों को है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दीन की दावत नहीं देते हैं तो हम अपने आप को सेल्फिश समझते हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं जो ऐसे दीन को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुसलमान भाई जो भी हैं वो दीन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और पूरी तैयारी के साथ। इस तरह नहीं कि किसी से सुना और आपने कह दिया, आप पूरी डिटेल के साथ उसके लिए स्टडी करें। दुनियावी स्टडी आप लोगों के काम नहीं आएगी आखिरत में। दुनियावी स्टडी का इस्तेमाल दीन को फैलाने के लिए किया जा सकता है, तो आप उसका इस्तेमाल करें और लोगों को पहुंचाएं। गौर करिए, पढ़ाई दीन का हिस्सा है, नो डाउट। करियर बनाना अच्छा दीन का हिस्सा है, उसका इस्तेमाल दीन के लिए ही होना चाहिए। अफसोस की बात है कि आज बहुत सारे मुसलमान भाई जिनको मैं जानता हूं और जिनको मैं नहीं जानता उन्हें मैं देखता हूं तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस्लाम में, इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं चाहता हूं भाइयों कि आप लोग समझें और गौर करें इस बात पर और लोगों तक दीन को पहुंचाएं मुकम्मल तौर पर। ये मेरा कोई खुशी वाली वीडियो नहीं है, मैं दरअसल सच बात बताऊं मुझे बहुत अफसोस है, आज तक अफसोस है कि किसी ने मुझे दीन की दावत नहीं दी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने लोग भी ये वीडियो देखें दीन की तरफ सीरियस हों और दीन को फैलाने में ज़्यादा से ज़्यादा जुट जाएं, कोशिश करें, लोगों को बताएं और खुद भी समझें। और जितना आप दीन को फैलाने के लिए काम करेंगे अब यकीन मानिए ईमान आपका उतना ही मजबूत होगा। मैं एक दाई हूं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दावत देता हूं, और मैंने जब से इस्लाम की दावत देना शुरू किया उतना ही दीन मेरी ज़िंदगी में आता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ कि अब मुझे कोई नहीं हिला सकता, अब मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान ही रहूँगा। तो ये मेरी अल्लाह की तरफ से ही है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने तौफीक दी इस्लाम को समझने की, इस्लाम को सीखने की, और सीख रहा हूँ। और आपसे भी यही गुजारिश है कि अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करिए और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि दीन को अच्छे से समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और दीन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जिंदा रहा तो ज़रूर मैं और कुछ आप लोगों के लिए अच्छा लेकर आऊँगा, खुशी के साथ, इस अफसोस के साथ नहीं, इंशाल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।